क्या आपको पता है कि डार्क साइड ऑफ द मून जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है? और नाइट विजन गॉगल्स हमेशा ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? और टिकटॉक पे आपको असली कंटेंट मिलता है? इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग विथ नंबर 10। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सांप की जीभ में कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, बल्कि वो अपनी जीभ का इस्तेमाल स्मेल के लिए करता है, जिसे वो रिसीव करके अपने रिसेप्टर्स में भेजता है, और वो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जिससे उसे टेस्ट का अनुभव होता है। ऐसे ही कैटफिश के पास लगभग 1 लाख टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और एक एवरेज ह्यूमन के पास 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नंबर 9। एरिस्टोटल, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्हें हमारी ट्रेडिशनल 5 सेंसेस के लिए क्रेडिट दिया जाता है, जो हमारी ट्रेडिशनल 5 सेंसेस मॉडल जैसे कि साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट है, उसका पूरा क्रेडिट एरिस्टोटल को दिया जाता है। नंबर 8। और क्या आपको पता है कि आपको टिकटॉक पे भर भर के कॉन्टेंट मिलेगा, और इतना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टिकटॉक स्टार बनना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पे एक 15 सेकंड की ट्रांजिशन वीडियो बनाने के लिए लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि टिकटॉक स्टार बनना कितना मुश्किल है। अरे अरे वेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा टिकटॉक की तारीफ कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं सार्कास्टिक हो रहा था, क्योंकि सार्कास्म भी काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे सार्कास्टिक हैं, तो आप अपनी लाइफ में 3 साल और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सार्कास्म आपके माइंड के लिए एक्सट्रीमली हेल्दी है। नंबर 7। फ्रांस का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आईफिल टावर की इमेज छप जाती है, पर वहाँ के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें हमारे इंडिया में भी लागू करने चाहिए, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लागू होना चाहिए। फ्रांस का ही ऐसा ही एक रूल है कि वहाँ के सुपरमार्केट्स फूड को वेस्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही इल्लीगल है। या तो सुपरमार्केट्स उन्हें कंपोस्ट बना दें, या तो डोनेट कर दें, या फिर चैरिटी में दे दें, पर फूड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 6। क्या आप वेट लूज करने के सारे घरेलू नुस्खे अपना चुके हैं, या फिर आप अभी भी अपना वेट लूज करना चाहते हैं पर बिना किसी मेहनत के? तो आप ऐसा अभी कर सकते हैं, आपको बस करना यह है कि आपको इक्वेटर पे जाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इक्वेटर पे आपका वेट कम हो जाता है। अगर आप इक्वेटर पे खड़े होते हैं और अपना वेट करते हैं, तो उस टाइम आपका वेट कम होगा। वहीं अगर आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे, तो उस टाइम आपका वेट ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से, यानी पृथ्वी के केंद्र से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी काफ़ी कम लगती है, तो आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। नंबर 5। और क्या आपको पता है कि मार्स का रेड कलर उस पे मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से है, जिसे रस्ट या जंग के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें टैल्कम पाउडर की कंसिस्टेंसी है। लेकिन लिटरली सचमुच मार्स की मेटलिक रॉक्स रस्ट खा रही हैं। नंबर 4। स्टार्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप का स्टार है न्यूट्रॉन स्टार। वैसे तो न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस काफी कम होता है, लगभग 30 किलोमीटर, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा डेंस जो होता है, यानी इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम न्यूट्रॉन स्टार के मैटर को एक चम्मच में लें, तो वो पूरी पृथ्वी के वजन से भी ज़्यादा भारी होगा। नंबर 3। और क्या आपने कभी नाइट विजन गॉगल्स को देखा है? हो सकता है आपने रियल लाइफ में ना देखा हो, पर आपने कभी ना कभी मूवीज में या फिर पबजी खेलते वक्त तो ज़रूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाइट विजन गॉगल्स हमेशा ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन आई जो है वो ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स को डिफरेंशिएट कर सकती है, लेकिन वो किसी भी और कलर के कई सारे शेड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा नाइट विजन गॉगल्स को ग्रीन कलर का ही बनाया जाता है। नंबर 2। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स में 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन वहीं आपकी आयरिस में 256 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रेटिना स्कैन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी कई सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने हमेशा मून के डार्क साइड के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि मून का डार्क साइड होता ही नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डार्क साइड ऑफ द मून जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि मून अपने एक्सिस पे ठीक उसी टाइम रोटेट कर रहा होता है जब वो अर्थ का ऑर्बिट कर रहा होता है, यानी कि मून का हमेशा सेम साइड ही अर्थ को फेस कर रहा होता है। इसलिए हमें लगता है कि मून का एक डार्क साइड भी होता है, पर मून का कोई भी डार्क साइड नहीं होता, ये बस एक मिथ है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और नीचे दिए हुए उस लाल सब्सक्राइब बटन को सफ़ेद कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही इनसेन फैक्ट्स बताते रहते हैं।